हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सावन लाइफ स्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज बज रहे हैं 10:10, थर्सडे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता है 10:10 पे हम जा रहे हैं काफ़ी सारी जगह, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में बताया था हम MRI सिटी, तो सिटी स्कैन कराएंगे और थोड़ा सा IQ टेस्ट और कुछ टेस्ट और बोले थे स्कूल में जो टीचर आए हैं उन्होंने वो टेस्ट, एंड एक स्कूल किस 2-3 लोगों ने रिकमेंड किया है फॉर काव्या। तो हम काव्या आगे बैठने जा रही है, तो मैं पीछे बैठी हूँ क्योंकि बहुत तेज धूप लगती है आगे, बट काव्या नहीं मानी, वो बैठ गई अपने डैडी के साथ। क्या आप लाई नहीं तू पीछे बैठ? अभी पहले स्कूल चलते हैं क्योंकि स्कूल का टाइमिंग होता है। तो मेरी लाइफ ऐसी है कि कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। तो आज छुट्टी कराई और उसकी मैम का अर्ली मॉर्निंग मैसेज आया था जो मैंने स्किप कर दिया कि आज बच्चों को कुछ भी हो जाए और स्कूल का ऑफ नहीं कराना, जो मैंने अभी पढ़ा क्योंकि आज मम्मी ने बोला था आज एकादशी का फास्ट रखना है। तो मम्मी ने कोई चैनल वाला देख के सोचा कि आज है थर्सडे, बट वो 2 दिन पहले निकल गई। अब हम देव उठावनी एकादशी रखेंगे, पहली बार है जो एकादशी का फास्ट हम रख रहे हैं। किसी पंडित जी ने बोला है कि आप एकादशी रखो। मेरे हमेशा डॉक्टर विजिट्स वाले ही ब्लॉग्स होते हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं करती थी। मोस्टली हम विजिट करते रहते हैं, बट अभी कुछ व्यूवर्स मेरे को कमेंट करते हैं कि आप अपना बेटी का इलाज नहीं करा रहे हो, जो भी है रीज़न। बट आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं रेगुलर जाती रहती हूँ और वीक में 1 या 2 दिन मेरा विजिट होता ही रहता है। और मेरी लाइफ कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। स्कूल में मैं हर माँ की तरह नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, बट मैंने देखा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 44 बच्चों में काव्या अटेंशन नहीं दे पा रही है। मैं ऐसा ना करूँ किसकी लाइफ ही बर्बाद हो जाए। तो ये भी नॉर्मल स्कूल है, यहाँ 12th तक पढ़ाई होती है, बट दे आर स्पेशल नीड बच्चों को ही ये ट्रेनिंग देते हैं, मतलब थेरेपीज भी होती है, फ्री में होता है। तो ये सारा चैरिटेबल स्कूल है और ये स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट, OT थेरेपिस्ट सब कुछ होता है, बट यहाँ एडमिशन आसानी से नहीं होता। पेरेंट्स को 2-2 साल वेट करना पड़ता है। मैं आज उन्हें फ़ोन पे कंसल्ट करके स्कूल देखने आए थे, बट स्कूल भी देखने नहीं दिया उन्होंने, कहा जब असेसमेंट होगा उसके बाद ही आप देख सकते हो। तो ये घर से बहुत दूर था और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने वेबसाइट भी देखी, लोगों का रिव्यू देखा। तो आई विश कि यहाँ मुझे, यहाँ साइन लैंग्वेज भी सिखाते हैं बच्चों को, तो जो काव्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये लोग मतलब बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, तो मैं आई विश कि यहाँ हो जाए इसका एडमिशन। स्कूल में अंदर एंट्री नहीं होनी थी बिकॉज वहाँ पे असेसमेंट के लिए बुलाया था, नाम नंबर लिखवा दिया, यानी कि 2 साल बाद इसका 320 नंबर था और एक दिन में 1 असेसमेंट होता है। आई थिंक शायद सैटरडे एंड संडे ऑफ भी होता है और कितने सारे हॉलीडेज होते हैं, तो आप समझ लो 2 साल बाद इसका नंबर आएगा। तो ये पोंटी चड्डा फाउंडेशन है, भगवती चड्डा करके, तो ये वेव सिनेमा जिनका है ये उनका है। और हम पहले भी आए थे तो मेरा मन नहीं था कि स्पेशल स्कूल में नहीं जाना चाहिए, बट अभी जो काव्य के साथ इतने चैलेंजेस आ रहे हैं नॉर्मल स्कूल में, घर पे तो ये सारे वर्क करती है बट स्कूल में कुछ नहीं करती। अब हम थेरेपिस्ट से मिलते हैं, स्कूल में एक थेरेपिस्ट रखा गया है, तो उन्होंने भी यही स्कूल रिकमेंड किया है। मैं पुरानी थेरेपिस्ट से मिली तो उन्होंने भी, बट यहाँ का एडमिशन इतना आसान नहीं। इसका इसमें राइट टू एजुकेशन अप्लाई किया था तो इसमें नाम आ गया, तो हमने सोचा बहुत दूर है यहाँ नहीं कराते, फिर वहाँ करा दिया केंद्रीय विद्यालय। तो फाइनली अब नाम लिखवा दिया, ऑलरेडी स्कूल तो जा ही रही है, जब इसका नाम असेसमेंट होगा तो आई विश कि इसका हो जाए, क्योंकि यहाँ स्पीच थेरेपी स्पेशल एजुकेशन एंड डॉक्टर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। अगर बच्चे में कोई और नीड लगती है मेडिकल, तो ये अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपने स्कूल में, तो काव्य के लिए गुड है। और टीचर्स ने बोला है जो मेरे पुराने थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि इस एजुकेशन में और एक सेपरेट, अगर 41 बच्चों में से पढ़ाएंगे तो उसे कुछ नहीं पढ़ा समझ में आएगा, मतलब 3 बच्चों में अगर एक टीचर है या 10 बच्चों में एक टीचर है तो उसको समझ में आएगा, 1x1 सेशन इसका होगा तो ही ये पढ़ाई कर पाएगी, इसलिए अप्लाई करना है। तो सब कुछ फ्री है, कन्वेंसी फ्री है, बसेज भी फ्री थी, अभी नाम लिखवा दिया है, अब देखो कब आता है नाम इसका। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल दूसरे, जहाँ इसका दूसरा असेसमेंट होगा। अब हम जा रहे हैं अली अवर जंग, जहाँ इसका असेसमेंट के लिए जा रहे हैं, जो थेरेपिस्ट ने बोला है कि आपका IQ उसका हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग कितना स्पीच है, IQ के अकॉर्डिंग कितना ये डेवलप है इसका ब्रेन, ये सब।
वो देंगे तब स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट होगी ये सब। उसके बाद सीटी स्कैन है ना, एमआरआई स्कैन, वो सब भी कराएंगे। तो बने रहिए, थोड़े से ब्लॉग मेरे इस तरह के होते हैं। माफ़ करिएगा मैं इस तरह के ब्लॉग शेयर करती हूँ, बट आप लोगों को भी मेरी जर्नी, मेरा स्ट्रगल पता होना चाहिए कि एक माँ कितना स्ट्रगल करती है अपने बच्चे को नॉर्मल लाइफ देने के लिए। अब हम नोएडा के अलियावर जंग पहुँच चुके हैं फॉर असेसमेंट। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे स्पीच थेरेपी भी ले लें, तो 50 रुपीज में शायद 3 मंथ्स या 100 रुपीज़ में 3 मंथ स्पीच थेरेपी का, बट वो वंस इन अ वीक होता है, नॉट रेगुलर बेसिस। तो गवर्नमेंट का है तो ऑब्वियस है वंस इन अ वीक होता है, और सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वही एजुकेशन देते हैं। तो स्टूडेंट लर्निंग कर रहे होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए उनको कैंडिडेट चाहिए होता है, तो वो लर्निंग दे रहे होते हैं। कुछ खास मुझे नहीं लगी यहाँ की स्पीच थेरेपी, बट हाँ कुछ ना से कुछ हाँ से तो थोड़ा थोड़ा शूट किया है। ये हम दूसरे फ्लोर पर आ गए जहाँ पर OT और स्पेशल एजुकेशन हो, क्योंकि जो स्पीच थेरेपी वाला केबिन था वहाँ ये बोला गया कि बिलो 5 ईयर्स वालों का ही हम सेशन लेते हैं। तो यहाँ कभी स्पीच का असेसमेंट हो रहा था, कभी OT का असेसमेंट हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हुई, और पूरा दिन स्पेंड करने के बाद कुछ नहीं मिला, दोबारा आना है। ऑलमोस्ट 5 बजे वाले अब निकल रहे हैं, 2 टेस्ट पेंडिंग है, 2 टेस्ट कराने के बाद अब दोबारा होंगे यहाँ पे। हाय सब, इनसे यहाँ पे ही है तो बाहर अब क्या वीडियो बनाऊँगी, थक गए, पूरा दिन ख़त्म हो गया, तो अभी आऊँगी 2 टेस्ट कराने, 14 को आना है। तो अब मैं करती हूँ बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, ऐसे गंदे गंदे ब्लॉग्स बना रही है आजकल है।